Three, two, one. We have ignition. अगर आपकी स्पेस, नासा, इसरो और साइंस टेक में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को आप भूले नहीं होंगे। ये वीडियो है सितंबर 2019 का, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो और पूरे भारत के लिए इमोशनल कर देने वाला पल था, जिसका कनेक्शन चंद्रयान 2 मिशन से जुड़ा था। इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी इसरो के एक्स चीफ के सिवन को ढांढस बधाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम का यह जेस्चर नाकामी को भूलने और आने वाले वक्त में नए इतिहास रचने के लिए हौसला भरने वाला था, क्योंकि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग नाकाम रही थी। चंद्रमा की सतह से 400 मीटर ऊपर लैंडिंग का इसरो से कनेक्शन टूट गया था और लैंडर क्रैश हो गया था। इस नाकामी से सबक लेकर महज 4 साल के भीतर इसरो एक बार फिर नए हौसले के साथ चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने के लिए तैयार है। क्यों खास है चंद्रयान 3? कम बजट में बड़ी कामयाबी। पूरी दुनिया में अपनी इस खासियत के लिए मशहूर इसरो ने सिर्फ 615 करोड़ के बजट में चंद्रयान 3 को तैयार किया है। इसरो का ये नया मिशन 13 जुलाई को इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से अपनी सफल उड़ान भरने के लिए तैयार है। हालांकि इसके लॉन्च का टाइम 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच किसी भी दिन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 3 सिर्फ अपने कम बजट की वजह से खास है। इस बार चंद्रयान 3 चंद्रमा के उस हिस्से में भी पहुंचेगा जहां आज तक मिशन नहीं पहुंच पाया है। दरअसल चंद्रयान 3 साउथ पोल वाले हिस्से में जा रहा है। यह हिस्सा चंद्रमा के 4.2 किलोमीटर गहरे स्केलेटन क्रेटर के बीच का वो हिस्सा है जहां अरबों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। यही वजह रही है कि यहां हमेशा -267 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर बना रहता है। एक्सपर्ट्स की माने तो यहां हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होने से पानी होने की संभावना ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 100 मिलियन टन क्रिस्टलाइज्ड वाटर रिसोर्सेज की मौजूदगी हो सकती है। यही नहीं, यहाँ अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्करी और सिल्वर जैसे मेटल भी मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में अगर इसरो का चंद्रयान 3 मिशन कामयाब होता है तो भविष्य में होने वाले स्पेस एक्सप्लोरेशन की दिशा में ये गेम चेंजर होगा। चंद्रयान 2 से कितना अलग है चंद्रयान 3? चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 के मिशन का अहम मकसद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना है। चंद्रयान 3 में कुल 3 अहम हिस्से हैं, जिन्हें टेक्निकल टर्म्स में मॉड्यूल कहा जाता है, और ये हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। आइए हम आपको एक एक करके इन तीनों मॉड्यूल के बारे में बताते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल यानी वो हिस्सा जो चंद्रयान 3 में उड़ान भरेगा। इसका काम तब शुरू होगा जब चंद्रयान 3 GSLV-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की मदद से पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाएगा। ऑर्बिट से बाहर निकलते ही प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम शुरू होगा और यह चंद्रयान 3 को चांद की तरफ ले जाएगा। एक बार चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम खत्म हो जाएगा और फिर लैंडर मॉड्यूल का रोल अहम हो जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम होगा चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। सॉफ्ट लैंडिंग हो जाने के बाद आखिरी हिस्सा रोवर अपना काम शुरू करेगा, जिसे लैंडर के अंदर रखा गया है। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर लैंडर से बाहर निकलेगा और चंद्रमा की सतह के आसपास घूमकर कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेगा। इन आंकड़ों को चंद्रमा के ऑर्बिट में पहले से मौजूद चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के जरिए धरती पर भेजा जाएगा। यहाँ दो बातें खास तौर पर गौर करने वाली है। पहली बात ये कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर 2019 से अभी तक काम कर रहा है और वो लगातार डेटा कलेक्ट करके भेज रहा है। यही वजह है कि इसरो ने इस बार के मिशन में ये तय किया है कि चंद्रयान 3 के लिए अलग से ऑर्बिटर भेजने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी खास बात यह है कि इसरो ने इस बार भी लैंडर और रोवर के नाम में कोई बदलाव नहीं किए हैं। यानी इस बार भी लैंडर और रोवर के नाम विक्रम और प्रज्ञानी होंगे, जो चंद्रयान 2 के थे। चंद्रयान 3 की क्रैश लैंडिंग से बचाने के लिए इसरो का प्लान। इस बार इसरो के साइंटिस्ट लैंडिंग में कोई चूक नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने पुरानी गलतियों से सबक लिया है। दरअसल चंद्रयान 2 के लैंडिंग के दौरान इसके सेंसर्स और बूस्टर्स में दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। लेकिन इससे निपटने के लिए इसरो ने इस बार नया सॉफ्टवेयर बनाया है।
इसरो चेयरमैन के मुताबिक इस बार चंद्रयान 3 में एक नया सॉफ्टवेयर डाला गया है जो स्पेस एल्गोरिथम और डेजिग्नेटेड लोकेशन पर लैंडिंग में दिक्कत आने पर इसे दूसरी जगह लैंड करने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसरो साइंटिस्ट ने इस बार लैंडर में कई बेहतर सेंसर जोड़े हैं जो लैंडर को लूनर सरफेस पर लैंडिंग के दौरान हाइट, स्पीड, लैंडिंग प्लेस और स्टोन रिलेटेड डेटा को एनालाइज करने में मदद करेंगे। ये सभी चीजें ऑटोमेटिक होंगी। चंद्रयान 3 की लूनर सरफेस से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडिंग की शुरुआत हो जाएगी और 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही ये सेंसर्स ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देंगे और इन सेंसर्स के मुताबिक ही लैंडर अपनी स्पीड, डायरेक्शन और लैंडिंग साइट तय करेगा, जिससे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग में मदद मिलेगी। सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद शुरू होगा असली काम। एक बार लूनर सरफेस पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद वहां कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होंगे। इसरो ने इस काम के लिए लैंडर और रोवर में कई तरह के खास इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं और इन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ साथ पूरी मानवता के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।